हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं फिर से लेकर के आ चुका हूँ आपको एक और न्यू लोकेशन पे, जिसका नाम है नेहरू पार्क। आओ मिलके इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा है ये, घूमने लायक है या नहीं है। भाई यहाँ से जो है ना, ये है इसका मेन गेट, 3 नंबर है ये। यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद में आपको जो है ना, यहाँ पे सामने पार्किंग वगैरह की भी जगह दिख जाएगी। 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है ना आपका व्हीकल, आप वो पार्क भी कर सकते हो। और यहाँ पर बोर्ड पे जो है ना टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है, वो आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हो। यहाँ से चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं। सामने जो है ना मुझे फाउंटेन दिख रहे हैं, जल्दी से मैं आपको वो दिखाता हूँ फाउंटेन। हम यहाँ पार्क में जो है ना आगे आ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे पिकनिक वगैरह के लिए लोग आगे बैठे हैं, बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो काफ़ी बड़ा फील्ड है ये, ये देखो ये जो है ना यहीं पर बैठ करके अभी एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं और आगे चल के कैसा है। अभी जो है ना मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर ना काफ़ी अच्छा व्यू है। और यहाँ पर अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आ रहे हो ना, फैमिली के साथ भी आ सकते हो। और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छे वो बना रखे हैं, एक्टिविटी वगैरह करने के लिए झूले वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखो मेरे पीछे, ठीक है। और यहाँ की जो टिकट वगैरह है ना, वो भी अभी आपको फ्री मिल जाएगी। पार्किंग भी यहाँ पर फ्री है और यहाँ की टाइमिंग अभी मैं आपको बता दूँगा, यहाँ पर सब कुछ फ्री है। अगर आप खाने के लिए लेके आना चाहते हो तो कुछ खाने के लिए आ जाओ। भाई मैं जो है ना अभी जो है ना आगे जा रहा था, मैंने जो है यहाँ पर अभी वो देखा योगा के लिए, योगा के लिए एक यहाँ पर मंच बना रखा है, मंच और सामने बैठने के लिए जगह बना रखी है। जैसे कोई भी यहाँ पर आया ना, ये रहा योगा स्थल है मेरे पीछे, आप देख सकते हो ये रहा योगा स्थल, ये रहा। और यहाँ की जो टाइमिंग है ना, सुबह 8 से 11 है दोपहर, फिर दोपहर के 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक है, फिर 5 से रात को 10 बजे तक है। ये रहा काफ़ी अच्छा बना रखा है यहाँ पे। अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ आगे ब्रिज की तरफ, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। और अगर आप यहाँ पे ग्रीनरी के शौकीन हो ना, तो आ जाओ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखो चारों साइड में आपको ग्रीनरी मिलेगी, पेड़ पौधे वगैरह है यहाँ पे। और अभी धूप हो रही है लेकिन छाया भी यहाँ पे बहुत है, ऐसा नहीं है कि आपको धूप मिलेगी यहाँ। और यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग आ रहे थे, यहाँ पे देखो कितने अच्छे फूल लगे हैं मेरे दोनों साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रीनरी का मजा तो मिलेगा ही मिलेगा, ग्रीनरी तो आपको देखने के लिए बहुत मिलेगी। आपको बैठना बैठना सिटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बैठने के लिए भी अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे आ चुके घूमते घूमते, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है ना, मतलब कुछ लोग हैं कुछ एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं। ये देखो पीछे पता नहीं कैप लोग सब लोग पहन करके, वाइट कैप पहन गए, नहीं कहीं से ये लोग आए हैं अपना एंजॉय करने। भाई अभी जो ना मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ के जो मेन फाउंटेन है ना उसके पास में, जो अभी आपको मैंने दोपहर वाला व्यू तो दिखाई दिया था, लेकिन अभी यहाँ का शाम का व्यू है ना और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सनसेट हो ही रहा है। सनसेट होने के साथ में जो यहाँ का व्यू है ना, यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह बना रखी है, ये देखो आप। और सामने जो है ना फाउंटेन चल रहे हैं और सनसेट का सीन देखो कितना मस्त आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। और अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको पास जा करके, पास जा करके कैसा दिखता है ये, फिर मिलते हैं।
भाई यहाँ पे जो है देखो काफी सारी मछली है, ठीक है, जो आपको कैमरे में ना इतनी क्लियर तो नहीं दिखेगी, लेकिन सामने से जो है ना सही दिख रही है, काफी बड़ी बड़ी मछली है इसमें। अगर लोग इनको कुछ खाने के लिए डाल रहे हैं, और गाइज अब जो है ना आपने ये पार्क देख लिया कैसा है कैसा नहीं है ये, ठीक है, इसके बाद में जैसा भी आपको लगा है मुझे कमेंट करके बता देना, कमेंट बॉक्स आप ही का है, भर दिया करो। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना, और उससे मिलूंगा आपको एक और न्यू प्लेस पे। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।